बेगम नुसरत भुट्टो वुमन यूनिवर्सिटी के बाद सरजमीन रोहड़ी सखर पर कायम होने वाली एक और यूनिवर्सिटी ने बिलआखिर अपने पहले तालीमी साल का बाज़ाब्ता तौर पर आगाज़ कर दिया। इत्तला'आत के मुताबिक अरोड़ यूनिवर्सिटी ऑफ आर्ट्स आर्किटेक्चर डिज़ाइन एंड हेरिटेज की जानिब से दाखिलों के ऐलान के बाद अपने तालीमी साल के पहले एंट्री टेस्ट का इनेकाद किया। यूनिवर्सिटी वाइस चांसलर प्रोफेसर डॉक्टर समरीन हुसैन की जानिब से जारी करदा तफसीलात के मुताबिक सिविल इंजीनियरिंग, फैशन डिज़ाइन, आर्ट्स एंड आर्किटेक्चर, इन्वायरमेंटल साइंस, विजुअल आर्ट्स और बीएस हिस्ट्री समेत दीगर मुख्तलिफ शोबों में दाखिलों के लिए एंट्री टेस्ट का इनेकाद किया गया। मुल्क भर से 300 से ज़ायद तलबा तलबात की जानिब से दाखिलों के लिए दरख्वास्तें मौसूल हुई, जबकि मजमूई तौर पर 298 तलबा तलबात ने एंट्री टेस्ट में हिस्सा लिया। NED यूनिवर्सिटी के ज़ेर इंतज़ाम मुनक़िदा टेस्ट के मौके पर यूनिवर्सिटी के क्लासरूम्स में ही उम्मीदवारों से पर्चे लिए गए, जिसका जायजा लेने के लिए यूनिवर्सिटी वाइस चांसलर प्रोफेसर डॉक्टर समरीन हुसैन ने अपने स्टाफ के हमरा इम्तिहानी मरकज़ का दौरा किया। उस मौके पर यूनिवर्सिटी से वाबस्ता पीर सोहेल सरहंदी, अब्दुल हलीम सुबरो, प्रोजेक्ट डायरेक्टर शबीर मोमनाई समेत दीगर भी मौजूद थे। नज़्म व ज़ब्त के साथ मुनक़िदा टेस्ट के मौके पर तलबा तलबात के वालदेन भी यूनिवर्सिटी पहुँचे और यूनिवर्सिटी निज़ामे की जानिब से कायम भौतिक आर्ट्स गैलरी और अरोड़ म्यूज़ियम का दौरा करके यूनिवर्सिटी निज़ामे की मुनफरिद काविशों को खूब सराहा। यूनिवर्सिटी वाइस चांसलर ने अपने स्टाफ के हमरा तलबा के वालदेन से भी मुलाकात की और यूनिवर्सिटी के मुतालिक तासरात मालूम की और खातमुन नबीन की विलादत बासआदत की खुशी में मिठाई भी तकसीम की गई। यूनिवर्सिटी निज़ामिया के मुताबिक एंट्री टेस्ट में हिस्सा लेने वाले तलबा और तलबात के इंटरव्यूज़ पीर के रोज़ मुनक़िद होंगे, जबकि नतज 17 अक्टूबर को जारी किए जाएंगे।